सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी अब जब हर एक चीज फैंस के मन मुताबिक हो गई है तब दूसरी चीजें उल्टे रास्ते पर जाती नजर आ रही हैं। फाइनली अरमान पोद्दार हिम्मत जुटाकर अपनी माँ विद्या और दादी कावेरी पोद्दार के खिलाफ गया। उसने रूही से भी साफ कह दिया कि वो अबीरा से प्यार करता है, लेकिन जब वो अबीरा के पास जाएगा तो चीजें उल्टी पड़ जाएंगी। अरमान की हालत धोबी के कुत्ते सी हो जाएगी, वो ना तो घर का रहेगा और ना ही घाट का। माधव बार बार अबीरा को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे अरमान की जिंदगी में वापस लाने की जरूरत नहीं है। वो अबीरा को बताएगा कि उसे ना तो अरमान से बात करने की जरूरत है और ना ही उनसे मिलने की। माधव के समझाने के बावजूद अबीरा अरमान का फोन उठाएगी और उसे अपना एड्रेस भी दे देगी। अरमान भी ये जानकर खुश होगा कि अबीरा उदयपुर में ही है, वो उससे मिलने चल पड़ेगा। इस बीच माधव अबीरा को समझाएगा कि वो खुश हो रही है कि अरमान उससे प्यार करता है, लेकिन प्यार करने और निभाने में बहुत फर्क है। माधव अबीरा को समझाएगा कि अरमान उससे प्यार जरूर करता होगा, लेकिन वो उसे निभा नहीं सकेगा और बार बार उसे तकलीफ देता रहेगा। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन माधव की कही हुई बातें अबीरा को समझ आ जाएंगी। इतना नतीजा ये होगा कि अब अरमान मंगलसूत्र खरीद कर अबीरा को ये सोचकर मिलने पहुंचेगा कि पिछली बार उसने मंगलसूत्र मजबूरी में पहनाया था, लेकिन इस बार प्यार में पहनाएगा और पहुंचने पर हालत बिल्कुल विपरीत दिखाई देगी। अबीरा अरमान को कमरे में भी नहीं घुसने देगी, वो दरवाजा बंद कर देगी और अरमान गिड़गिड़ाता रह जाएगा। बार बार कहेगा कि अबीरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए रूही से शादी तोड़ दी, लेकिन अबीरा बार बार अरमान से वहां से चले जाने को कहेगी। अरमान गिड़गिड़ाता हुआ कहेगा कि अबीरा मुझे आखिरी बार एक मौका दे दो प्लीज। अबीरा मन ही मन कहेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान, लेकिन ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हें माफ कर सकती हूँ। अब अरमान और अबीरा की यह लव स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।